तो हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? होप्स आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा। सो गाइस, अभी आप देख सकते हो 9 बज रहे हैं और मैं यहाँ पे मैदा लगा रही हूँ, क्योंकि मेरे पति जी फरमाइश थी कि मुझे छोले भटूरे खाने हैं, बहुत दिन हो गए। तो यहाँ पे मैंने आधी किलो से ना ज़्यादा ही मैदा लिया। ये 2 पैकेट थे, इसमें मैंने 1 पैकेट वो डाल दिया और इसमें से मैंने इतना डाला, ठीक है। और इसमें से मैंने सूजी डाली है, मतलब 1 पाव इसमें सूजी डाली, ठीक है। तो इसमें मैं इसको नहीं मांडू, छान लिए मैंने ये अच्छे से, और अभी मैं इसको इसमें मिला रही हूँ, परात में कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है इसमें फूल नहीं पाएगी। आटा तो मैं इसी में लगाती हूँ, बट इसमें मैं अब ये डालूँगी। पहले इसको अच्छे से मिक्स कर लो। सो गाइस, किस किस को भटूरे बहुत पसंद है प्लीज़ मुझे जरूर बताना, मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं, बट मैं कम खा पाती हूँ, और मेरे पति को बहुत पसंद है, बहुत खुश हो गए खाते हैं, बहुत खुश हो गए, कहते हैं बाहर के नहीं अच्छे लगते मुझे, तो बहुत खाते हैं, उनको बहुत अच्छा लगते हैं। देखो मैंने आटा मिक्स कर लिया अच्छे से, ठीक है। आप लोग बोलते रहते हो रेसिपी शेयर करो, तो आज मैं बना रही हूँ, तो प्लीज़ ध्यान से देख लेना रेसिपी। मिक्स कर लिया, ठीक है। अब हम इसमें देखो 1 पैकेट तो इनो डालेंगे, हैं मम्मी 2 लेंगे, 1 पैकेट इनो डालेंगे, और बाकी मैं सोडा वोडा लिया बच्चों। हम यहाँ पे थोड़ा सा भटूरों में नमक डालेंगे, ठीक है गाइस। हल्की सी, ज़्यादा नहीं, मुझे कुछ थोड़ी अजवाइन की खुशबू कम पसंद है, तो इसलिए मैं थोड़ी भी डालूँगी, ज़्यादा नहीं डालूँगी अजवाइन, इससे यह कि गैस नहीं बनने की है ना, ठीक है। थोड़ा सा हमने सोडा लिया है, ये देख सकते हो आप कितनी क्वान्टिटी है इसकी, ठीक है। तो ये लेंगे बस, और ये जो हमारा इनो का पैकेट है ये डाल देंगे हम इसमें, मैं पूरा पाउच डाल दूंगी। अब हम इसमें डालेंगे, हम इसमें डाल देंगे हल्का सा सरसों का तेल, ठीक है, देख सकते हो आप बस, ठीक है। ये हमारी है दही, तो अब हम इसमें डालेंगे दही, इसमें मैं डाल रही हूँ 3 बड़े चम्मच दही, ठीक है। अभी मैंने लिया ये गर्म पानी, तो मैं हल्का सा ना पहले पानी डालूँगी जहाँ पे मैंने इनो डाला था, और अब मैं अपने हाथ से इसको अच्छे से मसल लूँगी इस तरीके से साड़ी को, ठीक है। इस तरीके से इसको मसल लेंगे अच्छे से। यहाँ पे मेरी मैदा लग गई है, और इस तरीके से आपको ना पानी डालना है, क्योंकि मैंने टाइट उठाई है ना, टाइट ही उठाती हूँ मैं, पतली नहीं उठाती। तो इस तरीके से पानी ढक के अब इसको हमें नॉर्मल कपड़े से ढक के रख देना है, ठीक है, कम से कम 2 घंटे, ठीक है। 2 घंटे में बन के बिल्कुल रेडी हो जाएगी, और आप देख सकते हो कि 9:15 हो गए हैं, बाकी तो 12-1 बजे ही बनेंगे, क्योंकि तब तक काम भी निपटेगा, सारा काम करके जब लास्ट में बनेंगे, है ना, क्योंकि अभी मुझे छोले भी बनाने हैं, तो छोले भी मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ, ठीक है। सो वीडियो में बने रहना। यहाँ पे मेरा तेल गरम हो गया, इसमें कुछ ऐड नहीं करना, कुछ भी नहीं ले देखो, ठीक है। बस क्या करना है, प्याज ले लिया और ये छोड़ देंगे। इनको भूनना है अच्छे से, ठीक है, तब तक मैं अपना और काम कर लेती हूँ। यहाँ पे मैंने लिया है टमाटर और अदरक, गाइस ये मैंने लहसुन लिया है, लहसुन यहाँ पे मैंने लिया, टमाटर अदरक लहसुन, इनको हम पेस्ट बना लेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारी प्याज हो गई है, गाइस प्याज हमारी ऐसी हो गई है, ठीक है। अब हम इसमें टमाटर डाल देंगे, टमाटर
थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी लाल मिर्च, ये हमारा मिक्स मसाला, ये हम इसमें डाल देंगे छोले मसाला, ठीक है। एक चम्मच भर के हम इसमें नमक डाल देंगे, जो नमक डालना है सारा भी डाल देंगे, ठीक है। मिक्स करके अब इसको हम ढक के पकाएंगे, ठीक है। क्या खुशबू आ रही है, भाई वाह। तो गाइस छोले हमारे पक चुके हैं, अब हम मैंने छोले अपने नहा लिया ये मैंने छोले धो लिए अपने, और अब मैं इनको डालने वाली हूँ, ठीक है। और ये मैंने चाय का पानी लिया है, ये हम इसमें ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने डाल दिया इसमें चाय का पानी, ठीक है, चाय पत्ती का पानी। ये जो मेरे छोले हैं ये मैं ऐड कर दूँगी इसमें, ये डाल दिए मैंने छोले। अब हम उनको अच्छे से इसमें और पानी ऐड नहीं करेंगे, इतना गर्मा का हो गया बस। अब हम इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ डालेंगे, ये है हमारा अमचूर पाउडर, जो कि हम यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। और अब जो होने वाली है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वो मैं बता दूँ, इसमें हम गेव डालने वाले हैं सोडा, बस अब कुछ नहीं करना, सिर्फ ढक्कन लगाना और सीटियाँ लगा देनी है चार पांच, बस ये पक जाएंगे। हलवाई स्टाइल है, और ज़्यादा पानी मैं नहीं करूँ क्योंकि छोले थोड़े टाइट होते हैं, तो ये देखो बस अब सीटी लगवा देनी है। तो भाई यहाँ पे इसमें सीटी आ गई बहुत सारी, हम चार पांच, और अब मैं इसको बंद कर दूँगी क्योंकि हमने जो सोडा डाला है वो बहुत जल्दी छोलों को गला देता है, तो इस वजह से बंद कर देंगे इसको, सीटी को कर देंगे बंद। अब मैं यहाँ पे बना रही हूँ रायता, और पहले मुझे चटनी बनानी है फिर रायता बनाऊँगी, तो पहले चटनी बना लेते हैं क्योंकि तो फिर ये मिक्सी वगैरह मैं रख दूँगी यहाँ से। यहाँ पे मैंने धनिया लिया है, ठीक है, और इसमें मैं डालूँगी मिर्च, फिर ये मिर्च डालूँगी चार, हरी मिर्च, प्याज डाल दी, नमक डाल दिया, अब मैं ये दही डालूँगी इसमें। आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हो जितनी आपको चाहिए दही, और ये मैं इस पर डालूँगी नींबू। सुबह ही देखो छोले बन के भी मेरे रेडी हैं, हल्का समय पर टाइप करके ये देखो, ठीक है, देख सकते हो आप कितने अच्छे बने, बस आप कुछ नहीं करना। सो गाइज़ यहाँ पे मेरा रायता बन के रेडी है, और अभी मैं बना रही हूँ आलू जो छोले भटूरों के साथ मिलते हैं, यहाँ पे मैंने तेल चढ़ा दिया है। अब इसमें मैं डालूँगी हींग, जीरा, जीरे का तड़का डालूँगी, आप जित आपका मन करे आप लहसुन भी डाल सकते हो, बट मैं जीरा और हींग ही डालती हूँ। और ये मैंने आलू ना छील के काट के तब उबाले थे, क्योंकि वैसे उबालते हैं तो वो फिर ज़्यादा कभी कोई ज़्यादा कच्चे या वैसे, तो ये खुले में उबाल लेती हूँ, और फिर इसमें हमने ये डाल दिया है। अब हम इसमें सारे मसाले ऐड कर देंगे, धनिया पाउडर, हल्की सी हल्दी, हल्दी बिल्कुल नाम मात्र, लाल मिर्च, नमक, थोड़ा सा अमचूर पाउडर, अगर अमचूर नहीं है तो आप नींबू नहीं छोड़ दो, मैंने तो नींबू नहीं छोड़ दिया था और अमचूर नहीं डाला मैंने, और बस अच्छे से इनको मिक्स करेंगे, और तेज गैस पे या फिर मंदे पे इनको अच्छे से भुनने देंगे। फिर जब ये लाल हो जाएंगे अच्छे से, थोड़े क्रंची क्रंची से हो जाएंगे ना, उसके बाद आप लोगों ने बंद करना है। तो गाइस चलो फिर हमारे ये बन जाएंगे, अब हम भटूरे बनाने की तैयारी करते हैं। कभी लग जाती हूँ, ये है देखो आलू, प्याज, छोले भटूरा और रायता बोरा, उधर रायता डाल दी अभी। देखो गाइस भटूरे का साइज देख रहे हो, देख रहे हो गाइस, थोड़ी मेरी कढ़ाई छोटी रह जाती है वरना इससे बड़ा बना दूँ मैं भटूरा। ये है मेरी थाली देख सकते हो आप, ये रहा मेरा रायता, और ये देख सकते हो, मज़ेदार। सो गाइस मैं उछाल अभी उठे हैं सो के, क्योंकि छोले भटूरे खा के जो नींद आई है ना। सो गाइस लेकिन बने बहुत टेस्टी थे सीरियसली, कैसे बने इसे बताओ, मैं अपने हस्बैंड का रिव्यू देती हूँ आपको। यार दुकान पर कहीं के खा लो सर डिग्रे के, फिर मैंने मेट में चार साल सभी के खा लिए, कोई नहीं छोड़ा, तो मुझे कहीं के अच्छे नहीं लगे, घर के सबसे बेस्ट। बहुत टेस्टी बना था गाइस, बहुत टेस्टी, सच में मज़ा आ जाता है, एक एक बाइट के साथ आत्मा तृप्त होती चली जाती है अंदर तक। थोड़ी सी पत्ती डालो इसमें, इसमें से ले लो थोड़ी सी,
हाथ पे लेना पहले बेबी हाथ पे ले रुक जाओ देखो गाइस पूरा पैकेट से बन रहा बारा है ना ओ घनी चाय बनाओ आप तो बड़ा अच्छा मुझे ऑटोमेटिक बहुत बढ़िया लगा जा जूते जूते सो गाइस आप लोग मुझे ये वाली रेसिपी आप लोग जरूर ट्राई करना और मुझे बताना कि आपके छोले भटूरे कैसे बने क्यों है ना सो गाइस चलो फिर हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में और गाइस आई एम सॉरी कि अभी कुछ ऐसे ही व्लॉग्स आ रहे हैं मुझे खुद को भी नहीं अच्छी लगता कि मैं क्या बना रही हूँ बट क्या करूँ मैं किस्मत की खराबी मेरी